स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो वीडियो है ये क्लास 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिकल रिएक्शन को जो बैलेंस करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में हम दो पॉइंट को सर्च करेंगे। सबसे पहले एक रिएक्टेंट और दूसरे प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जितने भी एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ये ध्यान में रखना होगा कि जितना रिएक्टेंट सब्सटेंसेस में एटम्स होंगे, उतना ही एटम्स हमें प्रोडक्ट्स सब्सटेंसेस में मिलेंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस जब करते हैं हम लोग, तो एक पॉइंट का बस ध्यान रखेंगे, और वो पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, कि मासेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस इज इक्वल टू मासेज ऑफ प्रोडक्ट सब्सटेंसेस। यानी कि रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस सब्सटेंसेस के मास जितने होंगे, उतने ही मास प्रोडक्ट के रूप में जो सब्सटेंसेस हमें प्राप्त होते हैं उसके होंगे। दैट मींस कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। इसी कारण से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे वो कई प्रोसेस के आधार पर रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। हीट एंड ट्रायल प्रोसेस, जिसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। सेकंड प्रोसेस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस या आयंस ट्रांसफर प्रोसेस। ये तीन तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करने का सीखेंगे। और इस टॉपिक से आपको तीन वीडियोस दिए जाएंगे जो आपको क्लियर कर देगा। और कभी कभी समस्या भी आती है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तो हमारे पास एक ही सिस्टम बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलेशन फॉर्म में राइट करके मैथमेटिकली उसको बैलेंस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिंपल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन से बढ़ते जाएंगे और बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने में बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग केयरफुली इस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहला कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपली कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सपोज करो P4 प्लस O2, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, P4 प्लस O2 बॉन्ड्स टू गिव P2O5। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ रहा है, और एक और सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं P4 प्लस O2 बॉन्ड्स टू गिव P2O3। फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है कि व्हेन व्हाइट फास्फोरस बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव फास्फोरस पेंटोक्साइड गैस। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में आपको बताया जा रहा है, when phosphorus burns in the presence of oxygen to form phosphorus trioxide as a gas form। देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है वो LHS साइड में है, प्रोडक्ट सब्सटेंसेस जो है वो RHS साइड में, हमने राइट कर लिया। अब इसमें देख रहे हैं फास्फोरस कितने आ रहे हैं, 4। रिएक्टेंट सब्सटेंसेस में फास्फोरस एटम कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट में जो सब्सटेंसेस हैं उस सब्सटेंसेस में फास्फोरस और ऑक्सीजन की मात्रा भी इक्वल होनी चाहिए। नहीं इक्वल है, फास्फोरस यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 5। अनबैलेंस फॉर्म में है, वेरी सिंपल है इसको सॉल्व करना। और इसको हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस के माध्यम से नंबर ऑफ एटम्स को बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा करें हम लोग, यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फास्फोरस आ जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो फास्फोरस 4, इधर भी फास्फोरस 4 इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं। अब इधर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 5 × 2 = 10। अब जब हम फास्फोरस को बैलेंस किए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 10 आ रहे हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, तो इधर भी 10 होनी चाहिए, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी 5 लगा दिया। तो अब आपका इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फास्फोरस 4 है, इधर भी फास्फोरस 4 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 10 है, इधर भी ऑक्सीजन 10 है, ये भी बैलेंस है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं, P4+O2 bonds to give E2O3। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 4 फास्फोरस है, हम यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 × 2 = 4, फास्फोरस 4 हो गए, P = 4। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गए। अब फिर से भी आप बैलेंस करके देखिए, फास्फोरस 4 आ रहे हैं, इधर भी फास्फोरस 2 × 2 = 4, इधर ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, इधर भी ऑक्सीजन 2 × 3 = 6, ये भी आपका रिएक्शन बैलेंस हो। हम लोग अभी सिंपल प्रोसेस के आधार पर बैलेंस करने का देख रहे हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, व्हेन सल्फर डाई ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide SO2 reacts with oxygen O2 to give SO3 gas। हम यहाँ पर LHS साइड में क्या देख रहे हैं, सल्फर बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 4। RHS साइड में क्या देख रहे हैं, सल्फर बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 3। क्या करें, फिर वही चीज आ रहा है, सल्फर तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इतना डिजिट से मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन को कि दोनों साइड में ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में आ जाए। अब ध्यान दो, सपोज करो कि अगर हम इधर 2 डाल देते हैं ऑक्सीजन के तरफ में, सल्फर तो 1 है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो 2 × 2 = 4 + 2, यानी 6 ऑक्सीजन इधर आ गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। यानी कि अगर हम इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर सल्फर कितने आ रहे हैं, इधर 1, और इधर सल्फर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, फिर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देख रहे हैं सल्फर भी 2 है, इधर भी सल्फर 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 × 2 = 4 + 2 × 2 = 4, 8 ऑक्सीजन। क्या करें, बैलेंस तो नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, हम अदर प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर प्रोसेस में क्या है, आप ध्यान दीजिए कि सल्फर बैलेंस है अभी के फॉर्म में, ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इतने डिजिट से मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट सब्सटेंसेस में कि ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो जाए। हमने फर्स्ट स्टेप में देखा ऑक्सीजन अनबैलेंस हो रहे हैं, हम सेकंड स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ सिंपली 2 का इस्तेमाल कर दीजिए, सल्फर कितने आ गए, 2, अब ऑक्सीजन कितने आ गए, 2 × 2 = 4 + 2 = 6। अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सल्फर 2 ऑक्सीजन 6, रिएक्टेंट साइड LHS साइड में, प्रोडक्ट साइड में सल्फर 2 ऑक्सीजन 3, आपका बैलेंस हो गया। तो हम इस तरह से सिंपली हम छोटे छोटे इक्वेशन को सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ अदर इक्वेशन को लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सपोज करो और इक्वेशन में देख रहे हैं C2H6+O2 CO2+H2, भाई क्यों CO2 और H2O बने, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट हम लोग समझे, व्हेन इथेन C2H6 इज इथेन, इथेन गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। हम इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई,
तो जो एटम्स हैं वही एटम्स आपस में रीअरेंज करेंगे, केमिकल रिएक्शन में क्या बताया गया है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। हम क्या देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो ये H2O गैस बना देंगे, सॉरी H2O वाटर बना देंगे। तो अगर C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वाटर बनाया, तो इस रिएक्शन में क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बने। क्या आपका ये इक्वेशन बैलेंस है, हम देख ले। कार्बन LHS साइड में 2 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं। कार्बन RHS साइड में 1 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं। कैसे बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नॉन मेटल में सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 कर दिया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन सॉरी रिएक्टेंट साइड में कार्बन 2 है, हमने 2 कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गया दोनों साइड में। हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, इधर हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, 6 आ गए, तो हाइड्रोजन इधर 2 आ रहे हैं और इधर हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 + 3 बराबर ऑक्सीजन इधर कितने आ रहे हैं, 4 × 3 = 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कार्बन 2 आ रहे हैं, कार्बन 2 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 6 रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में भी है, बैलेंस आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 4 + 3 = 7 ऑक्सीजन आ रहा है, अनबैलेंस है। अब हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं मैथमेटिकली, यानी कि मैथमेटिकली नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ये ध्यान में देनी है। और इस मैथमेटिकल प्रोसेस में हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए डेसिमल का भी प्रयोग कर सकते हैं और बटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे इसको बैलेंस करेंगे हम। इधर कार्बन 2, कार्बन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 बैलेंस है, ऑक्सीजन 7 और ऑक्सीजन 2 नॉट बैलेंस, यानी इधर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 होना चाहिए, तो लेकिन 2 ही है, हम 7 कैसे बना सकते हैं, तो 2 को हम 7 कैसे बना सकते हैं, 2 ऑक्सीजन को। तो यहां पर अगर हम ये ट्रिक अपनावे, 3 × 5 × 2 = 7 होंगे, तो हम यहां पर डेसिमल का प्रयोग करके हम इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, C2H6 + 3.5 O2, दैट मींस 7 O2, 7 ऑक्सीजन, एरो मार्क 2 CO2 + 3 H2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कार्बन 2, कार्बन 2 इधर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 इधर भी हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3.5 × 2 = 7 इधर भी ऑक्सीजन 7, 2 × 2 = 4 + 3 = 7 ऑक्सीजन, आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन थोड़ा देर और रुकिए, हम इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस तो कर लिए, कहीं पे भी ये इक्वेशन मेरा गलत नहीं है, नंबर ऑफ एटम जितने आ रहे हैं रिएक्टेंट्स में उतने ही प्रोडक्ट आ गए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन हम इस बैलेंस इक्वेशन को अपने कॉपी में राइट ऐसे नहीं करेंगे, सही तो है लेकिन राइट नहीं करेंगे, क्यों नहीं राइट करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि यहां पे C2H6 में O2 CO2 + H2, यही इक्वेशन में हम अब आगे प्रोसेस में देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस वहां पे क्या होगा, यदि बैलेंस है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 डाल दिया, कार्बन इज बैलेंस्ड,
both side, hydrogen 6, 3 add कर दिया, मैंने multiply कर दिया, तो hydrogen is also valent both side, but oxygen 2 into 2 equal to 4, plus 3 equal to 7, 7 oxygen, but 2 oxygen, second process क्या है, by first process में तो हमने देखा, 3 into 5, 3.5 into 2 equal to 7, लेकिन इसको 7 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर एक और ट्रिक अपनाइए, 7 by 2 into 2 equal to 7, यानी हम ऑक्सीजन को O2 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 7 by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 कैंसिल हो गया, तो 7 हो गया, तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, C2H6 plus 7 by 2 O2 arrow mark 2CO2 plus 3H2O. बेटा, this equation is also balanced equation. क्यों? कार्बन दो इस साइड में है, कार्बन दो इस साइड में बैलेंस आ रहा है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन भी 6, ये भी तो बैलेंस हो गए, और 7 by 2 into 2 ये हम कट कर देते हैं, तो 7 हो गया, यहां पर क्या हो, O क्या अमाउंट कितना आ रहा, तो this is 7O, और एरो मार्क के बाद 2 into 2 equal to 4 plus 3, 7O इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ गए, ये भी आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, और हम इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम इस तरह से बैलेंस नहीं कर सकते हैं, बैलेंस करने का एक ही थॉट बताया गया है, बैलेंस द इक्वेशन मैथमेटिकल प्रोसेस, अगर मैथमेटिकल प्रोसेस का हम प्रयोग करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने के लिए हम डेसिमल का भी प्रयोग करके हम इक्वल कर सकते हैं एटम को, और बटे का भी प्रयोग करके हम इक्वल कर सकते हैं एटम को, लेकिन हम इस तरह से भी कॉपी में राइट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं क्यों नहीं करेंगे भाई, तो देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करने का सिग्निफिकेंस महत्व क्या होता है, पहला फर्स्ट कि सबसे पहले जो इक्वेशन हो वह इक्वेशन जो कॉपी में हम राइट कर रहे हैं वह इक्वेशन देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। अब इस अच्छा और खूबसूरत के लिए हम एक नेक्स्ट ट्रिक का और इस्तेमाल करते हैं, इसी ट्रिक में हम नेक्स्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया इस इक्वेशन में, ध्यान दीजिएगा, C2H6 plus 7 by 2 O2 arrow mark 2CO2 plus 3H2O। अब हम बेस्ट ट्रिक इस तरह के इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या हो सकता है, ये बटे के बाद 2 लिखा हुआ है, तो इस सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, इसको देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई से फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into C2H6 2 molecules plus mathematically ये 2 और ये 2 आपस में cancel हो गया, तो जब cancel हो गया तो 7O2 आ गया equal to 2 into 2 equal to 4 CO2 plus 3 into 2 equal to 6 H2O। अब आप इस equation में देखिए, कार्बन इक्वल टू 4, हाइड्रोजन इक्वल टू 6 एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 14 LHS साइड रिएक्टेंट साइड में। अब RHS साइड प्रोडक्ट साइड में कार्बन इक्वल टू 4, हाइड्रोजन इक्वल टू 6, ऑक्सीजन इक्वल टू 4 into 2 इक्वल टू 8 प्लस 6 8 और 6 14, तो ऑक्सीजन भी यहां कितने हो गए 14। अब आप मैच कीजिए,
नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट है या नहीं है। तो LHS साइड में कार्बन 4, RHS साइड में 4, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 14, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर? अब ध्यान देना, इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन आपको मिलेंगे जो हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और देखिएगा, यहां पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर से ध्यान से देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन फाइव नंबर, अमोनिया गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम दो पॉइंट का अवश्य ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे पहला, ध्यान दीजिएगा। सेकंड किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल जो भी हो, जैसे कैल्शियम होंगे, जिंक होंगे, कॉपर होंगे, अल्मोनियम होंगे, प्लेटिनम होंगे, कोई भी मेटल हो, इक्वेशन में सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस कर लेंगे। जब मेटल बैलेंस हो जाएंगे तब हम नॉन मेटल में हम उस नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं हो। सेकेंड पॉइंट में हम किसको बैलेंस करेंगे, तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी नॉन मेटल होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जो भी नॉन मेटल हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके हम उसको बैलेंस करेंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तो ना ही मेटल आ रहे हैं, कोई भी मेटल नहीं है, लेकिन नॉन मेटल में नाइट्रोजन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं और ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो बताया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए। तो नाइट्रोजन यहाँ वन आ रहा है, यहाँ भी वन आ रहा है, बैलेंस्ड फॉर्म में नाइट्रोजन आ रहा है। लेकिन हम इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। उधर हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इधर हाइड्रोजन 3 और इधर हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं। भाई कितना से मल्टीप्लाई करें कि दोनों तरफ हाइड्रोजन इक्वल अमाउंट में आ जाए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। दैट मींस कि हमने 2 राइट कर दिया, अब यहां 3 राइट कर दिया। अब देखिए यहां नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। इसमें नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, वाह भाई, हाइड्रोजन तो 6 आ रहे हैं, वेरी गुड, बट ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं। क्या आपका बैलेंस है? जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो अब नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होते रहेंगे ये क्रिया, और ये हम लोग करते रहेंगे कब तक, जब तक मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। तो भाई हाइड्रोजन 6 आ रहा है दोनों तरफ, एब्सोल्यूट राइट, नाइट्रोजन 2 आ रहे हैं, इधर 1 आ रहे हैं नाइट्रोजन LHS साइड, RHS साइड में, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन भी तो 2 आ जाएंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर मिलाइए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 ही आ रहा है LHS साइड में और RHS साइड में ऑक्सीजन आ रहा है, 2 × 2 = 4 + 3 = 7। फिर वही झंझट, एक को बैलेंस किया, दूसरा अनबैलेंस, दूसरा कोई बैलेंस किया, तीसरा ऐसा अनबैलेंस, इसी तरह का बेटा अनबैलेंस आ रहा। हम क्या करेंगे, आप इस तरह से आप डेसिमल में भी प्रयोग करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, नहीं करेंगे, कर सकते हैं बटा का प्रयोग करके हम इक्वेशन को उस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, नहीं करेंगे, क्यों, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कैसा हम बना लेंगे, ऐसा प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। अब इस प्रोसेस में आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस है दोनों साइड में, ऑक्सीजन इधर कितने आ रहा है, 2,
और ऑक्सीजन इधर कितने आ रहे हैं 7, तो हम क्या कर देंगे वही ट्रिक अपना लेंगे 7/2 राइट, तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऐसे नहीं राइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन को हम बटे के नीचे क्या डिजिट आ रहा है 2। जब ये प्रॉब्लम आवे उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बटे के नीचे जो भी डिजिट है उस डिजिट से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, आफ्टर देन 2 × 2 = 4NH3 प्लस 7/2 × 2 कैंसिल हो गया 7O2 एरो मार्क 2 × 2 = 4NO2 प्लस 3 × 2 = 6H2O। अब आप इस इक्वेशन को देखिए क्या ये आपका बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन 4 LHS साइड में, नाइट्रोजन 4 RHS साइड में बैलेंस, हाइड्रोजन 12 LHS साइड में, RHS साइड में भी हाइड्रोजन 12 बैलेंस, 7 × 2 = 14 ऑक्सीजन LHS साइड में, तो 4 × 2 = 8 प्लस 6 = 14 ऑक्सीजन RHS साइड में बैलेंस हो गए इक्वेशन। तो हम इस तरह की इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करेंगे, इस तरह से भी करते हम बैलेंस कर सकते इक्वेशन को। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम एक नए इक्वेशन को इसको मिटा करके बताने जा रहा हूं। एक और भी इक्वेशन आ रहा है, व्हेन आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आयरन ऑक्साइड एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आयरन ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यस एब्सोल्यूट राइट, आयरन सल्फाइड यस, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस सल्फर और ऑक्सीजन आयरन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेंगे ही बनेंगे। अब सल्फर और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करेंगे देन सल्फर डाइऑक्साइड यस, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाउ टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन द लैबोरेटरी, दिस इज अ मेथड, व्हेन आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन then form iron oxide and sulfur dioxide gas. कोई problem? क्या equation balance है? नहीं। हम क्या करेंगे सबसे पहले? किसको balance करेंगे हम? तो सबसे पहले हम metal को balance करेंगे। तो FeS2 plus O2 arrow mark Fe2O3 plus SO2 किसको balance करेंगे सबसे पहले? metal को। चूंकि metal यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe1 है, 2 कर दिया। बैलेंस हो गया। अब हम नॉन मेटल में ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, पहले सल्फर को करेंगे। सल्फर इधर 4 आ रहा है, इधर 1 है, 4 कर दिया, बैलेंस हो गया। आयरन इज बैलेंस्ड, सल्फर इज बैलेंस्ड, बट ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 4 × 2 = 8 प्लस 3 9 10 11 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं। कैसा हम रूल्स अपनाएंगे बेटा? 11 इधर भी होना चाहिए ऑक्सीजन। तो अगर जिस जगह ऑक्सीजन कम हो रहे हैं हम उसको मेंटेन करने के लिए डेसिमल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी एटम, कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन, या नहीं तो बटे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों के माध्यम से हम राइट नहीं करेंगे, राइट हम करेंगे इस रूल्स के माध्यम से। जब इस रूल्स का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे 11/2 × 2 = 11 का प्रयोग कर लिया तो अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 Fe2 प्लस ये 2 वो 2 कैंसिल हो गया 11 O2 एरो मार्क 2 Fe2O3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 SO2। वाह वेरी गुड, क्या बैलेंस है चेक तो कर लें। इसमें रिएक्टेंट साइड में Fe इक्वल टू 4, S इक्वल टू 8 एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 11 × 2 11 दुना 22, 22 ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट साइड में आयरन 4, F इक्वल टू 4, सल्फर 8, ऑक्सीजन 3 × 2 × 3 इक्वल टू 6 प्लस 8 × 2 इक्वल टू 16, बराबर कितना आ रहा है 16 और 6। भाई बोलो तो, बोल तो नहीं पाओगे 22, क्यों नहीं बोलोगे, वीडियो क्लास है सर, कैसे बोले, सही बात है। लेकिन मिला तो ले, आयरन 4 4 बैलेंस, सल्फर 8 8 बैलेंस, ऑक्सीजन 22 22 बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस, कोई दिक्कत। अब आप एक और इक्वेशन को देखें, इसी में बढ़ा दीजिए, वो इक्वेशन आ रहा है व्हेन बेंजीन, यस, उसे छोटा भी है रिएक्शन एसिटिलीन और का ले सकते हैं, बड़ा इक्वेशन, बड़ा फॉर्मूला, बिग मॉलिक्यूल, यस। व्हेन बेंजीन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देखते हैं नया इक्वेशन में। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ऑक्सीजन गैस का O2 क्या कर रहा है, जल रहा है, दोनों आपस में मिला तो दोनों जलने लगा, जल के क्या बनाया भाई, नहीं पता, पता है कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेंगे ही बनेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इक्वेशन बैलेंस है तो इक्वेशन मेरा ये बैलेंस नहीं है। कार्बन 6 कार्बन 1 6 कर दो भाई बैलेंस, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 3 कर दो भाई बैलेंस, ऑक्सीजन इक्वल टू 2 रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन इक्वल टू 6 × 2 इक्वल टू 12 प्लस 3 बराबर 15, नो प्रॉब्लम, ऊपर का कांसेप्ट यूज कीजिए, हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन तो 15 होनी चाहिए, तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे।